हेलो एवरीवन स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में बेसिकली ये है पार्ट सिक्स अपना जो स्प्लेंडर का इंजन इंजिन है उसका और इसमें हम करने वाले हैं जो सिलेंडर है एज ए किट उसकी कंप्लीट असेंबली और इसमें एक जो चीज़ है जो सबसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला होने वाला है वो ये कि इसमें पिस्टन रिंग्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड बट उससे पहले अगर आपने इसकी बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं देन डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा आप जाकर के उनको चेकआउट कर सकते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा जो पिस्टन पिस्टन है उसके अंदर रिंग्स हैं उनको लगाने से और सबसे पहली जो रिंग हम लगाएंगे वो होने वाली है हमारी ऑयल एक्सपेंडर रिंग जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है और ये लगेगी जो सबसे नीचे वाला स्लोट है पिस्टन के अंदर उसमें तो सबसे पहले इसको इसका जो ग्रूव है उसके अंदर कुछ इस तरीके से स्लॉट कर लेते हैं और अभी ये जो रिंग है जहां पर इसके जो एंड्स है वो आपस में कनेक्ट होते हैं वहां पर ये जो कनेक्शन है इसको हम जो इंग्लिश अल्फाबेट है या w, उससे नोट करते हैं एंड मेजोरिटी ऑफ लोग बोलते हैं कि ये जहां जुड़ते हैं वहां पर एम बनना चाहिए तो आप एम बना सकते हैं बाकी मेरा ये मानना है कि ये एक एंडलेस पैटर्न है तो चाहे एम बने चाहे डब्ल्यू बने ज्यादा कुछ फर्क होना नहीं चाहिए बट स्टिल आप जो चाहते हैं वैसे लगा सकते हैं इसको उसके बाद लगाएंगे इन दोनों रिंग्स को जो की एक एकदम सिमिलर हैं एक जैसी दिखती हैं और इनको ऑयल रेल रिंग्स बोला जाता है बेसिकली ये दोनों रिंग्स हमारी जो ऑयल एक्सपेंडर रिंग है उसमें दोनों साइड प्लेस होती है एक रिंग नीचे लगेगी इसके, और एक रिंग ऊपर लगेगी इसके तो सबसे पहले एक ऑयल रिंग लगाते हैं एंड उसके बाद जो वन है उसको लगाएंगे अब इनको लगाने का एक मेथड है जो की काफी पॉपुलर है वो ये रिंग है उसको आप प्रेस करके देखें और फिर उसके बाद इसका जो ये माउथ है मींस की जहां पर इसके जो एंड्स हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये जो रिंग है ये ऊपर की साइड लगेगी लेकिन अगर इस रिंग को मैं उल्टा कर देता हूँ और फिर प्रेस करता हूँ तो तो या, तो या फिर ऐसे लगा करके ऊपर की तरफ रख सकते हैं और ये दोनों रिंग्स में सेम चीज है तो अभी हम नीचे वाले रिंग लगा रहे हैं तो उसमें हम ऐसे नहीं रखेंगे उसमें हम इसको ऐसे लगाएंगे जिससे कि इसका जो ये माउथ है वो नीचे की तरफ जाए तो डायरेक्शन है उसको हमने फिगर आउट कर लिया है अभी जो रिंग है उसको रिंग में नीचे की तरफ प्लेस करते हुए कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे और अभी ऐसे ही ये जो रिंग है इसका हमें जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ रखना है बिकॉज इसको हम ऊपर लगा रहे हैं तो ये डायरेक्शन सही है अभी हम इसको कुछ इस तरीके से एक्सपेंडर रिंग के ऊपर लगा लेते हैं एंड लास्ट में बच जाएंगी दो रिंग्स तो उनको लगाना है तो वैसे ये जो रिंग्स है इनके ऊपर साफ साफ लिखा रहता है बट कैमरा है वो उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा है बिकॉज ये पिस्टन रिंग्स है ये पुरानी है तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ ये वाली जो रिंग है इसमें यहाँ पर टॉप वन लिखा हुआ है ये वाली जो रिंग है इसमें यहाँ पर टॉप टू लिखा हुआ है तो जिसमें टॉप टू लिखा हुआ है यहाँ पर उस रिंग को हम पहले लगाते हैं और इसमें जिस साइड टॉप टू लिखा हुआ है उस साइड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे तो ऐसा का ऐसा इस रिंग को होल्ड करते हुए जो ये वाला स्लोट है मीनस नीचे के एक्सपेंडरिंग है और ऊपर की तरफ टॉप वन लगेगी तो बीच में जो स्लॉट है उसमें टॉप टू लगने वाली है तो इसको लगाना है इस स्लॉट में कुछ इस तरीके से बहुत ही ध्यान से बिकॉज टॉप वन और टॉप टू जो रिंग्स हैं वो बहुत ही हार्ड होती हैं तो ये डैमेज भी हो सकती हैं अगर आप इनको ज्यादा एक्सपेंड कर लेंगे तो और ये जो पिस्टन है उसको भी स्क्रैच कर सकती हैं, बिकॉज ये स्टील की रिंग्स हैं और जो पिस्टन है वो एल्यूमिनियम का है और इस तरीके से हमने जो टॉप टू रिंग है उसको लगा लिया है और अभी बारी आती है जो टॉप वन रिंग है उसको लगाने की और इसमें भी जिस साइड टॉप वन लिखा हुआ है उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे और अभी यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं ये जो सिलेंडर किट है ये मैं पुराना यूज कर रहा हूं अब ये वैसे पुराना नहीं है बात ये है कि ये इंजन पहले इसका काम हुआ है और उसके बाद हजार किलोमीटर पे इसको मैंने डिसमेंटल किया है क्यों किया है वो देखने के लिए आप आई बटन में वीडियो आ रही है वो देख सकते हैं बट ये जो सिलेंडर किट है ये हजार किलोमीटर पहले ही नया डला है तो इसलिए मैं पिस्टन भी वही यूज कर रहा हूँ सिलेंडर भी वही यूज कर रहा हूँ और पिस्टन रिंग्स है वो भी वही यूज कर रहा हूँ और इस पे आपको थोड़ा थोड़ा वेयर एंड टेयर दिख रहा होगा वेल वो नॉर्मल है बिकॉज मेरा जो कजिन है वो काफी रफ यूज करता है बाइक को तो उसकी वजह से उसने जो रनिंग इन पीरियड है वो अच्छे से नहीं किया एंड उसकी वजह से ये जो पिस्टन है इस पे लाइट स्क्रैचेस है और ये प्रॉब्लम नहीं करेंगे बट वैसे भी मैं अगर नया सिलेंडर किट डालूंगा तो भी उसका जो यूजेज है वो ऐसे ही रहेगा बिकॉज काफी हैवी यूजेज रहता है उसका बाइक का तो इसलिए नया पिस्टन डाल करके हजार किलोमीटर पे ये जो पैसे है ये वेस्ट में नहीं करना चाहता और फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम आएगी तो हमारे तो घर की बात है हम तो चेंज कर लेंगे बट वैसे अगर इस कंडीशन में मुझे कस्टमर की बाइक तैयार करनी होती तो मैं पिस्टन और पिस्टन रिंग्स जरूर चेंज करता सिलेंडर इसका बिल्कुल परफेक्ट है उसको मैं चेंज नहीं करता बट अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसको तो फिर से भी रेक्टिफाई कर सकता हूँ लेकिन कस्टमर की बाइक में हम बिल्कुल भी एक भी ना तो खुद हेड ले सकते हैं और ना ही कस्टमर को हेडेक दे सकते हैं तो इसलिए ऐसा हम नहीं करते हैं ये जो बाइक्स है ये हमारी एक्सपेरिमेंट बाइक्स है इनको हम ऐसे ही यूज करते हैं तो इसलिए हम ये सारी चीजें कर लेते हैं बस यही क्लेरिफिकेशन देना था और जो पिस्टन रिंग्स हैं उनको लगाते टाइम आपको बहुत ही ध्यान से इनको लगाना है और अगर आप चाहें तो ऑयल यूज कर सकते हैं मैंने ऑयल यूज नहीं किया उसके पीछे बस इतना ही रीजन है कि वो कैमरा जो है उसमें है उसमें रिफ्लेक्शन आता लेकिन अभी जब इनको लगाएंगे तब इन पे इंजन ऑयल से मैं अच्छे से कोटिंग करूंगा बिकॉज ये जो है ये सिलेंडर को स्क्रैच कर देंगी और अब बारी आती है जो पिस्टन है उसको लगाने की तो इसमें जहां पर इन लिखा हुआ है आई एन ये जो पार्ट है ये हमारा जिस साइड कार्बोरेटर लगेगा उस साइड रहने वाला है और यहाँ पर आप सकते हैं की एक सर्कली पे वो लगी हुई है because इसको मैंने निकाला ही नहीं था अगेन जैसे बोला में फिट कर देंगे. तो अभी हमें इन तीनों पार्ट को जो कनेक्टिंग रोड है. तो है उसका जो अंदर वाला सेक्शन है उसको अच्छे से लुब्रिकेट करना है और उसके लिए मैं जो दो होल्स है इसके अंदर यूज कर रहा हूँ उसके बाद जो पिस्टन पिन है उसको अच्छे से लुब्रिकेट कर लेते हैं और साथ ही साथ अभी के लिए लिए पिस्टन का वो वाला पार्ट जिसमें पिस्टन पिन लगने वाली है उसमें ऑयल लगा लेते हैं अच्छे से उसके बाद जो इन वाली मार्किंग है उसको कार्बोरेटर की साइड रखते हुए जिस साइड सर्कलिप है वो नी लगी हुई है उस साइड से जो पिस्टन पिन है उसको पुश करेंगे एंड उसके बाद जो पिस्टन पिन है उसको पुश करते टाइम जो कनेक्टिंग रोड है उसके अंदर से पास थ्रू करना है कुछ इस तरीके से उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर एक कपड़ा है उसको रैप कर देंगे एंड फिर ये जो सर्कलिप है इसको यहाँ पर जो पिस्टन है उसमें ग्रूव बना हुआ है इसको लगाने के लिए उसके अंदर हम लगा देंगे और यहाँ पर अगर आपके हाथ छोटे हैं, देन वो काफी काम आएंगे बिकॉज ये सबसे ट्रिकी पार्ट रहता है सर्कलिप है उसको लगाने के बाद अच्छे से चेक कर लें कि ये इसका जो स्लोट है उसमें प्रॉपरली फिट हो गई है क्या उसके बाद बारी आती है इन स्टड्स को लगाने की तो ये टोटल चार स्टड्स हैं और इनमें से दो स्टड्स हैं वो छोटी साइज के हैं थोड़े से और जो दो स्टड्स हैं वो उनके कम्पेरिजन में थोड़े से बड़े हैं साइज में और इन स्टड्स में एक जो साइड है थ्रेड्स वाली वो कुछ इस तरीके की दिखती है एकदम प्लेन सिर्फ थ्रेड है इसमें एंड दूसरी साइड थ्रेड्स के साथ साथ यहाँ पर एक सेक्शन है जो की ओवरऑल जो स्टड है उससे थोड़ा सा थिक है तो ये जो साइड है इसको हम

ये एक नट है इसका वेल इनर थ्रेड तो मेरे को नहीं पता बट ये आउटर जो इसमें स्पैनर लगता है वो 11 मिलीमीटर mm का लगता है तो ये जो नट है ये आपको 11 या 12 मिलीमीटर mm का लेना पड़ेगा और इनका जो थ्रेड पैटर्न है उसी थ्रेड पैटर्न का आपको नट लेना है अदरवाइज आप या तो नट को डैमेज कर देंगे या फिर ये जो स्टड है इसका जो थ्रेड है उसको डैमेज कर देंगे तो एक तो मैंने नट ले लिया एंड दूसरा मैंने कैप नट लिया है जो की इसी बाइक का है मीन जब हम सिलेंडर हेड की जो कैप होती है उसको लगाएंगे तब आप समझ जाएंगे कि ये कहां पर लगेंगे तो सबसे पहले ये जो नट

थोड़ा टाइट इनको करना पड़ेगा अदरवाइज ये ही स्पिन करने लग जाएंगे जो स्टड है उसको टाइट नहीं करेंगे एंड उसके बाद एक 10 मिलीमीटर mm का स्पैनर सॉकेट जो भी आप लेना चाहें उसकी हेल्प से जो टॉप नट है उसको हम क्लॉकवाइज टाइट करेंगे जो कि हमारा जो स्टड है उसको टाइट कर देगा एंड अनफोनेटली जो स्टड्स है उनका टोर्क है वो मुझे नहीं मिल पाया तो इसलिए इनको टोर्क पर टाइट नहीं कर रहा हूँ बट इनको मीडियम जो स्ट्रेंथ होती है उसके ऊपर टाइट करना मीन्स ज्यादा जोर से भी नहीं तो एकदम लूज भी नहीं और उसके बाद ये जो नट्स है इनको एक दूसरे के अगेंस्ट से हमें फिर से लूज करना है कुछ इस तरीके से उसके बाद सबसे पहले ऊपर वाला नट निकाल लेंगे और फिर ये वाला भी और कुछ इसी तरीके से बाकी के जो तीन स्टड्स हैं उनको भी टाइट करना है तो मैं इनको कर लेता हूँ एंड उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं एंड उसके बाद लगाएंगे इन दो डाउल्स को जो की लगने वाली हैं ये वाले जो दो स्टड्स हैं इनकी साइड तो एक लगेगी यहाँ पर और दूसरे वाली यहाँ पर और इनको ड्रॉप कर देंगे एंड उसके बाद इनको कर देंगे पुश एंड उसके बाद ये जो एक्सेसिव पैकिंग यहाँ पर निकल रही है जो कि हमारा जो मैन क्रैंकेस है उसकी पैकिंग है या गैसकेट इसको हमें इस वाली साइड से कट करना पड़ेगा कट करते टाइम एक चीज मेक श्योर करनी है कि ये जो पार्ट हम कट कर रहे हैं ये अंदर ना गिर जाए और इसी तरीके से नीचे की साइड से भी इसको कट करना है तो मैं वो कर लेता हूँ एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं उसके बाद लगाना है सिलेंडर का गैस के तो इसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस की हेल्प से लुब्रिकेट कर लिया है एंड इसमें ये वाला होल ये वाला होल और ये जो साइड है इनको हम इस वाले होल से इस वाले होल से और यहाँ पर हमारा ऑयल जेट लगा हुआ है तो उन तीनों से इन तीनों को अलाइन करते हुए इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे पिस्टन है उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगे एंड जो हमारी टाइमिंग चेन है उसको भी यहाँ से कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे एंड उसके बाद इसको ऑल द वे जो डाउल्स हैं उनके साथ अलाइन करते हुए प्लेस कर देंगे और ये कुछ इस तरीके से प्रॉपरली सीट हो जाना चाहिए उसके बाद ये एक ब्लैक कलर की रबर रिंग है इसको हमें यहाँ पर लगाना है कुछ इस तरीके से वो लाइट सो अभी जो पिस्टन रिंग्स हैं उनको कहाँ पर प्लेस करना है वो बता देता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ मार्किंग्स वगैरह बना रखी हैं तो सबसे पहले तो इनका क्या मीनिंग है वही बता देता हूँ टी वन मीन टॉप वन रिंग टी हो गई हमारी टॉप टू रिंग आर हो गई हमारी जो ऑयल रेल रिंग है उसमें ऊपर वाली जो रिंग है वो आर है और जो नीचे वाली रिंग है वो आर है और बीच में जो हमने ऑयल एक्सपेंडर रिंग लगाई थी ई का मतलब ऑयल एक्सपेंडर रिंग से है और अब बात कर लेते हैं इनकी प्लेसमेंट की तो टॉप वन रिंग का जो कट है या एंड गैप जो भी आप बोलना

में थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा जिससे कि यह जो सिलेंडर है इसके अंदर इंसर्ट हो जाए थोड़ा सा पुश करेंगे अभी बारी है टॉप टू रिंग है उसको पुश करने की एंड जैसे ही आप टॉप वन और टॉप टू रिंग्स हैं उनको पुश कर देंगे उसके बाद आप जो पिस्टन है उसको ऑल द वे अंदर की तरफ इंसर्ट कर सकते हैं बट उससे पहले जो टाइमिंग चैन है उसको यहाँ से बाहर की तरफ कुछ ऐसे निकाल लेना है एंड उसके बाद जो सिलेंडर है उसको ऑल द वे अंदर की तरफ पुश कर देंगे डाउल्स हैं उनको अलाइन करते हुए उसके बाद जो टाइमिंग चैन है उसको रोटेट करते हुए जो पिस्टन है उसको ऑल द वे टॉप पर लेके आएंगे एंड उसके बाद जो ऊपर एक्सेसिव ऑयल लगा हुआ है उसको वाइप ऑफ कर देंगे उसके बाद ये वाला जो होल है इसके अंदर हमें ये फाइव मिलीमीटर का एलन का बोल्ट है इसको लगा है। वैसे पुरानी वाली जो बाइक है उनमें यहाँ पर जितना मेरे को याद है टेन मिलीमीटर फिगर आउट करना पड़ेगा एंड उसके बाद रोलर भी काम करता है तो इसमें वैसे तो दोनों साइड से लगा सकते हैं आप इसको बट स्टिल इसमें जिस साइड हीरो मार्किंग्स वगैरह बनी हुई है उसको बार की तरफ रखेंगे और इसको ऐसे लगाना है तो सबसे पहले इसका जो ये बीच वाला सेक्शन है जो कि आपको उभरा हुआ दिखेगा

है इसको उसके साथ अलाइन करेंगे और जैसे ये अलाइन हो जाती है उसके बाद ये जो बोल्ट है इसको टाइट कर देंगे एंड उसके बाद ये वाला जो बोल्ट है इसको 8 न्यूटन मीटर से 12 न्यूटन मीटर के बीच में टॉर्क करना है तो बस गाइस पार्ट सिक्स है उसमें इतना ही काम करेंगे अभी जो बचा हुआ काम है वो आपको पार्ट 7 है उसमें देखने को मिलेगा एंड विद दैट बीइंग सेड बस इस वाली वीडियो में इतना ही था फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाय और वैसे अगर आप चाहते हैं चैनल को सपोर्ट करना देन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं और जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर कर सकते हैं और पुराने वाली वीडियोज़ हैं उनको भी देख सकते हैं